एस्कॉर्ट वाइफ नाम से ही क्लियर है कि एक ऐसी वाइफ जो अपनी झील का पानी पति से ज्यादा दुनिया वालों को पिलाती है। पर एक वाइफ ऐसा आखिर करती क्यों है, यही हम आज की कहानी में जानने वाले हैं। मूवी का नाम है द एस्कॉर्ट वाइफ। ये कहानी है पेट्रिसिया की, जिसने हाल ही में अपना बच्चा खो दिया था, जिस वजह से उसे घर पर रहना पड़ता है। वैसे वो एक हाउसवाइफ है जिसके पास बहुत ज्यादा खाली टाइम है, और पेट्रिसिया का पति चीफ एक डॉक्टर है जो बिजी होने के कारण पेट्रिसिया को टाइम ही नहीं दे पाता। पेट्रिसिया की सोफी नाम की एक दोस्त भी थी जो अभी शहर के बाहर है, तो वो और ज्यादा अकेली महसूस कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि अपने अल्ट्रासाउंड की फोटो को देखते हुए पेट्रिसिया इतनी ज्यादा दुखी होती है कि वो बेहोशी हो जाती है। अब जब उसे होश आता है तो चीफ घर आ चुका था और उसे रात में ही वापस काम पर जाना पड़ता है। लेकिन वो पेट्रिसिया से प्रॉमिस करता है कि वो ब्रेकफास्ट साथ में करेंगे, और प्रॉमिस के अनुसार चीफ ब्रेकफास्ट के टाइम पर आ तो जाता है पर ब्रेकफास्ट नहीं करता क्योंकि उसे नींद आ रही थी। वैसे पेट्रिसिया उसे उसके साथ वक्त बिताने को बोलती तो है पर चीफ उसकी नहीं सुनता। ब्रेकफास्ट के बाद पेट्रिसिया शावर लेने जाती है। वैसे पेट्रिसिया सिर्फ शावर के पानी से ही गीली नहीं हो रही थी क्योंकि अब पेट्रिसिया का झील का पानी ओवरफ्लो होकर उसे गीला करने लगा था, इसलिए पेट्रिसिया शावर खत्म कर अपने ओवरफ्लो को रोकने बेड पर आती है। पर तब तक तो चीफ सो गया था, लेकिन पेट्रिसिया खुद के हाथों का इस्तेमाल करना अच्छे से जानती है, तो वो खुद से अपने झील का पानी निकालने लगी थी। पर थोड़े एंजॉयमेंट और फीलिंग को बढ़ाने के लिए पेट्रिसिया चीफ की उंगलियों को अपनी झील के पानी से गीला करती है। चीफ को भी अपने उंगलियों में चिपचिपाहट महसूस होने लगी थी, तो वो जाग जाता है। मुझे लगा कि अब चीफ अपनी जबान और जेसीबी का इस्तेमाल कर पेट्रिसिया के झील का ओवरफ्लो वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। चीफ दोबारा से सो जाता है और पेट्रिसिया भी अब थोड़ी शांत हो गई थी, पर वासना की उत्तेजना से उसके शरीर में गर्माहट और बढ़ने लगी थी। अगले दिन पेट्रिसिया अकेले गुजारती है, तभी उसे अपनी खिड़की के बाहर दूसरे बिल्डिंग में एक लड़की दिखती है। रात होने पर पेट्रिसिया दूरबीन निकालकर उस लड़की को देख रही थी, जिसमें वो देखती है कि उस लड़की की सवारी एक लड़का बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहा था, जिसे देखकर पेट्रिसिया का मुंह और टांगे दोनों खुली की खुली रह जाती है। तो वो उन्हीं दोनों को याद करके चीफ को जल्दी घर आने के लिए कॉल करती है, पर चीफ बिजी होने के कारण घर नहीं आ पाता। मानो चीफ को पेट्रिसिया की जवानी में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, पर पेट्रिसिया अपने हाथ और आंखें सेक कर ही अपनी उत्तेजना को शांत कर रही थी, और जब बीच बीच में वो कंट्रोल नहीं कर पाती तो चीख चिल्ला कर अपने फ्रस्ट्रेशन भी निकाल लेती थी। अब एक दिन अचानक चीफ बड़े ही रोमांटिक मूड में पेट्रिसिया को लंच के लिए बाहर ले जाता है। पेट्रिसिया तो बहुत खुश थी कि जो इंसान उसके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट तक नहीं कर सकता वो उसे आज लंच पर ले जा रहा है। वेल तो वो दोनों अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में आते हैं, पर वहाँ का वेटर अपनी आंखें पेट्रिसिया के बड़े बड़े गुब्बारों को देखकर सेक रहा था क्योंकि पेट्रिसिया के शर्ट का बटन खुला रह गया था। वेटर की इन्हीं हरकतों को चीफ ने भी देख लिया था, पर वो ऑर्डर ले रहे उस वेटर को कुछ नहीं बोलता, उल्टा पेट्रिसिया को ही सुनाने लगता है। तभी वहाँ रेस्टोरेंट में उनकी पड़ोसी आती है। ये वही पड़ोसी है जिसकी खुदाई चोरी छुपे पेट्रिसिया अपने खिड़की से देखती है। अब घर आने पर पेट्रिसिया चीफ को सीड्यूस कर रही थी, और चीफ के सामने आकर अपने घुटनों पर बैठ चीफ के बंदूक पर थूक लगाकर उसे तैयार करने लगती है, पर चीफ वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे ऑफिस में बहुत जरूरी काम था। अगली रोज पेट्रिसिया की बात होती है सोफी से, और सोफी को भी घोड़े की सवारी किए हुए बहुत टाइम हो गया था। अब ये जानकर पेट्रिसिया थोड़ी रिलैक्स फील करती है कि वो अकेली नहीं है जिसकी झील में खुदाई का काम नहीं हो रहा है। वो कहते हैं ना कि अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई और बंदा मिल जाता है तो प्रॉब्लम की टेंशन थोड़ी कम हो जाती है। सेम चीज यहाँ भी हो रही थी। सोफी की एडवाइस ले पेट्रिसिया एक बार में आती है, जहाँ बार के काउंटर पर एक उम्रदराज मोटा आदमी पेट्रिसिया से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन पेट्रिसिया उसे भाव नहीं देती। इसके बाद वो घर आकर वापस से अपने पड़ोसी की खुदाई देखकर अपनी झील का पानी निकालती है, ये सोचते हुए कि चीफ उसे अपने घोड़े पर बैठाकर बहुत तेज दौड़ा रहा है। लेकिन अगले दिन वापस ब्रेकफास्ट पर चीफ पेट्रिसिया पर ध्यान नहीं देता और लिफाफे में कुछ पैसे रखकर सो जाता है। अब उन पैसों को देखकर पेट्रिसिया को बुरा लगता है क्योंकि उसे चीफ का पैसा नहीं बल्कि उसका घोड़ा चाहिए था। अगले दिन चीफ 3 दिनों के लिए काम की वजह से ट्रिप पर जा रहा था, पर पेट्रिसिया उसे रोककर बच्चे के लिए ट्राई करने को बोलती है, पर पेट्रिसिया चाहकर भी माँ नहीं बन सकती, इसलिए चीफ उसके साथ खुदाई नहीं करता। ये बात चीफ एग्रेसिव होकर पेट्रिसिया को समझाता है, जो कि गलत बात है। चीफ के जाने के बाद पेट्रिसिया अपने पड़ोसी की खुदाई को अच्छे से एंजॉय करने लगती है, और अब वो भी डेट करने का फैसला करके अपना हेयर स्टाइल चेंज करवा कर बार में आती है। अब पेट्रिसिया को देखकर तो जवान लौंडों की जबान भी बाहर आने लगी थी। अब वही बार में पेट्रिसिया की मुलाकात अपने पड़ोसी से होती है, जो हर रोज अलग अलग घोड़े की सवारी कर रही थी। अब उस पड़ोसी का नाम है क्रिस्टी, और बातों ही बातों में पेट्रिसिया और क्रिस्टी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। अगले दिन अपने ट्रिप से चीफ लौट आया था,
और वो एक बकवास जोक वाली टी शर्ट पेट्रिसिया के लिए लेकर आया था। पेट्रिसिया चीफ के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है पर चीफ उसे भाव नहीं देता। आगे हम देखते हैं क्रिस्टी का चक्कर चीफ के साथ भी चल रहा है पर ये बात पेट्रिसिया को नहीं पता और न ही क्रिस्टी जानती है कि चीफ की पत्नी पेट्रिसिया है। आगे हम देखते हैं कि चीफ और क्रिस्टी मास्क लगाकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। चीफ क्रिस्टी की गुफा में बहुत ही खतरनाक तरीके से अपनी जेसीबी दौड़ा रहा था। अब जब चीफ क्रिस्टी की खिड़की के सामने ले रहा था तब उन्हें साथ में पेट्रिसिया भी देख लेती है। आप समझ गए होंगे कि पेट्रिसिया अभी कैसा महसूस कर रही होगी। ये देखकर वो क्रिस्टी के घर जाती है पर तब तक वहाँ से चीफ निकल चुका था। पेट्रिसिया क्रिस्टी को बताती है कि चीफ उसका पति है। तब क्रिस्टी उसे बताती है कि इस बात का पता उसे नहीं था। चीफ तो बस उसका एक क्लाइंट है, मतलब क्रिस्टी पैसों के लिए लोगों को अपने झील का पानी पिलाती है। ये जानकर पेट्रिसिया थोड़ी शांत हुई थी। वापस घर आने पर क्रिस्टी पेट्रिसिया से माफी मांगकर उसे मिलने बुलाती है। अब पेट्रिसिया ने चीफ को तो माफ नहीं किया था पर क्रिस्टी को माफ करके वो उससे मिलने चली जाती है, जहाँ क्रिस्टी पेट्रिसिया को अपने काम के बारे में बताती है कि वो एक स्टूडेंट है और पैसों के लिए वो ट्रस्टेड क्लाइंट्स के साथ इंटीमेट होती है। और अब क्रिस्टी अपने आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जा रही थी तो वो पेट्रिसिया को अपने सारे क्लाइंट्स देकर उसे उसका बिजनेस संभालने को बोलती है। साथ में पेट्रिसिया को यह भी पता चलता है कि क्रिस्टी ने सेफ्टी के लिए अपने सभी क्लाइंट्स के साथ इंटीमेट होते हुए वीडियो बना ली है ताकि अगर फ्यूचर में कोई उसको ब्लैकमेल करे तो उसके पास भी सेफ्टी के लिए उनकी वीडियोस थी। अगले दिन घर पर चीफ के दोस्त गेट टुगेदर पार्टी पर आते हैं जिसमें से जेम्स नाम का बंदा पेट्रिसिया की बहुत तारीफ करता है। इतना कॉम्प्लीमेंट मिलने पर पेट्रिसिया डिसाइड कर लेती है कि अब वो क्रिस्टी की जिंदगी जिएगी। अब क्लाइंट्स को उस पर शक न हो इसलिए क्रिस्टी उसे अपना परफ्यूम दे देती है जिससे पेट्रिसिया और क्रिस्टी की सच्चाई उनके सामने ना आए। साथ ही में वो पेट्रिसिया को एक चाकू सेफ्टी के लिए अपने पास रखने को बोलती है। इसके बाद क्रिस्टी पेट्रिसिया को सिखाती है कि एक मर्द को खुश कैसे करते हैं। दोनों अपने अपने जिस्म की गर्माहट एक दूसरे के साथ बांटकर जिस्म में लगी आग को और भड़का देते हैं। क्रिस्टी के जाने के बाद पेट्रिसिया उसका घर अपने नाम से रेंट पर ले लेती है जिसके बाद क्रिस्टी के नंबर से पेट्रिसिया चीफ को मैसेज करके और रिझाने लगती है। चीफ की बेवफाई से उसे दुख तो है पर वो अपना दुख रोकर नहीं बल्कि एंजॉय करते हुए मनाना चाहती है। पर उससे पहले वो भी क्रिस्टी की तरह अपने इंटीमेट वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए गोप्रो कैमरा अपने रूम में लगा देती है। इसके बाद वो सबसे पहले चीफ के दोस्त जेम्स को बुलाती है और उसके घोड़े की सवारी करके अपनी और उसकी फैंटेसी पूरी करती है। वैसे अभी तक पेट्रिसिया मास्क लगाकर लोगों को खुश कर रही थी पर अब वो मास्क उतारकर जेम्स को अपना फेस दिखाती है। पेट्रिसिया को देखकर जेम्स शॉक था पर उसका घोड़ा पेट्रिसिया को अपने ऊपर सवारी करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था। पेट्रिसिया भी जेम्स के घोड़े पर बैठकर उसे उसके मंजिल तक पहुंचा देती है। अगले दिन जब चीफ ऑफिस जा रहा था तब वो पेट्रिसिया के करीब जाकर उसे स्मेल करता है क्योंकि पेट्रिसिया के बॉडी से क्रिस्टी वाली स्मेल आ रही थी। वेल तो चीफ फिर भी पेट्रिसिया के साथ कुछ नहीं करता और घर से बाहर निकलकर क्रिस्टी के साथ मीटिंग फिक्स करता है। अब उसे क्या बताए कि क्रिस्टी का परफ्यूम और फोन दोनों तो पेट्रिसिया यूज कर रही थी। रात में दोनों मास्क लगाकर एक दूसरे से मिलते हैं और चीफ मजे में पेट्रिसिया के गुफा में खुदाई चालू कर देता है बिना ये जाने कि वो क्रिस्टी की नहीं अपनी ही वाइफ पेट्रिसिया की ले रहा है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद पेट्रिसिया खुद को वॉशरूम में बंद कर देती है। चीफ भी वहां से चला जाता है। अब घर में ही पेट्रिसिया बहुत खुश रहने लगी थी और ये बात चीफ भी नोटिस करता है। अब धीरे धीरे पेट्रिसिया बहुत से लोगों की घोड़े की सवारी करती है। इसी बीच एक बार फिर से चीफ के दोस्त उसके घर आए थे गेट टुगेदर के लिए, उनमें जेम्स भी था। तो इस बार पेट्रिसिया अपने ही घर के वॉशरूम में जेम्स के लिए घोड़ी बनती है। जेम्स भी चीफ के पीठ पीछे उसकी वाइफ की बहुत अच्छे से लेता है। नेक्स्ट नाइट पेट्रिसिया क्रिस्टी के फोन से चीफ को वापस इंटीमेट होने के लिए बुलाती है और इस बार एंड में पेट्रिसिया मास्क निकालकर चीफ को अपना फेस दिखा देती है। ये जानकर चीफ के तो होश ही उड़ गए थे कि उसकी वाइफ धंधा कर रही है। पेट्रिसिया भी उसे जवाब देती है कि जब वो उसे छोड़कर किसी और के पास जा सकता है तो वो क्यों नहीं। लेकिन चीफ के अनुसार बच्चे के खो जाने के बाद से ही वो पेट्रिसिया को स्पेस देने की कोशिश कर रहा था, पर हम सब जानते हैं कि ये बात एक झूठ है। चीफ पेट्रिसिया से प्यार नहीं करता, बस वो अपने रिश्ते को निभा रहा था। पेट्रिसिया ने गुस्से में चीफ को चाकू से स्टेप भी कर दिया था। इसके बाद पेट्रिसिया अपने सभी क्लाइंट्स के घर पर उनकी वीडियोस भेज देती है जिससे उन सभी का उनकी वाइफ से रिश्ता खत्म हो जाता है। उन्हीं सब में से एक बंदा बार में पेट्रिसिया से मिलकर उसे गन पॉइंट पर लेता है, लेकिन वो बंदा पेट्रिसिया को नहीं बल्कि खुद को ही गोली मारकर अपनी जान ले लेता है। यह देखकर पेट्रिसिया भी शॉक थी। अब एक रात पेट्रिसिया के घर पर इसी बंदे की वाइफ आती है और पेट्रिसिया को गोली मारकर वहां से भाग जाती है क्योंकि पेट्रिसिया ने उसकी फैमिली को बर्बाद कर दिया था जिससे उसके पति ने भी अपनी जान ले ली थी। वैसे एंड में हम देखते हैं कि पेट्रिसिया अभी भी जिंदा है और उसने क्रिस्टी से भी अपना रिश्ता खत्म कर लिया है। और अब पेट्रिसिया के पास दो काम थे, पहला लोगों के साथ रात रंगीन करने का और उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे कमाने का। मतलब अब पेट्रिसिया कोई हाउसवाइफ नहीं है और उसकी जिंदगी का मकसद धोखेबाज पतियों की सच्चाई बताने का बन गया है। मूवी डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।